टी20 वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। इस बार टीम में आर अश्विन की वापसी हुई है। उनकी वापसी के बाद फैंस की निगाहें एक बात पर टिक गई है कि कैसे मेंटर महेंद्र सिंह धोनी उनका प्रयोग करते हैं। धोनी की कप्तानी में ही आर अश्विन ने खुद को साबित किया है और वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी जगह बनाई थी। ऐसे में आर अश्विन एक बार फिर खुद को लिमिटेड ओवर क्रिकेट में साबित करना चाहेंगे। दरअसल आर अश्विन ने अपने करियर की शुरुआत भी धोनी की कप्तानी में की है। आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका करियर धोनी की ही कप्तानी में आगे गया है। आईपीएल के दौरान भी धोनी जरूरत के समय आर अश्विन की फिरकी पर ही भरोसा जताते आए हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2013 के फाइनल में भी आखिरी ओवर उन्होंने अश्विन से ही कराया था। इसके अलावा अश्विन ने माही की अगुवाई में 78 वनडे मैचों में 105 और 42 टी20 मैचों में 49 विकेट लिए हैं। ऐसे में धोनी एक बार फिर से अश्विन के साथ अपनी लकी चार्म को आगे बढ़ा सकते हैं। आर अश्विन ने 2017 में अपना आखिरी लिमिटेड ओवर का मैच खेला था। इसके बाद वो लिमिटेड ओवर की टीम में जगह बनाने में सफल नहीं हुए। इसके बाद उन्हें अब सीधे वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है। उनके अलावा टीम में रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती भी हैं। अश्विन की वापसी को लेकर बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने कहा कि आईपीएल में उनके प्रदर्शन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। एक इंटरव्यू के दौरान अश्विन ने यह भी खुलासा किया था कि आईपीएल की शुरुआत में वो धोनी का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते थे। इस दौरान उन्होंने मैथ्यू हेडन, जैकब ओरम और स्टीवन फ्लेमिंग का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, लेकिन वो धोनी का ध्यान खींचने में सफल नहीं हुए थे। धोनी हमेशा से ही अपने खिलाड़ियों का सही तरह से प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो जोगिंदर शर्मा का प्रयोग करना हो या केदार जाधव से गेंदबाजी करानी हो, धोनी इस काम में बेहद माहिर हैं। ऐसे में धोनी एक बार फिर से अश्विन का अच्छे से प्रयोग करके उन्हें भारत को वर्ल्ड कप दिला सकते हैं। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि महेंद्र सिंह धोनी मैदान के बाहर रहते हुए इस बार टीम इंडिया को वर्ल्ड कप का खिताब कैसे दिला पाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद।